इधर विद्युत सोच में पड़ गया था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है? क्या कोई हमें चैलेंज दे रहा है या फिर हमारे साथ कोई खेल खेला जा रहा है? तभी चंदन ने विद्युत से पूछा, कहाँ खो गए? विद्युत चंदन से कहता है, अच्छा चंदन एक बात बताओ, तुम्हें याद होगा ना सोनम सूद का मर्डर, जिसकी बॉडी गर्दन तक जमीन में गड़ी थी, एक हाथ बाहर था और उसके हाथ में कातिल ने एक एनवलप छोड़ रखा था। उसके बाद चोपड़ा का मर्डर, जिसको भी सोनम सूद की तरह मारा गया था, उसे भी जमीन में गाड़ कर साथ में एक एनवलप छोड़ दिया गया था, और दोनों की लाश जिस जिस जगह पर गाड़ी गई थी वहां पर एक लाइन भी लिखी थी किलर ने कि मेरी तलब इसकी मौत है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे क्या, ये तो पूरी दिल्ली को याद है, चंदन कहता है। मगर तुमने एक बात गौर की कि वो कामिनी जिसकी लाश मालवी नगर में गड़ी मिली थी, उसके पास कोई भी एनवलप नहीं छोड़ा गया था और ना ही कुछ लिखा गया था। और यहाँ देखो, यहाँ मुन्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और तो और एक बात और गौर करने लायक है कि मुन्नी की लाश को जमीन में नहीं गाड़ा गया है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये किसी दूसरे किलर का काम है? दूसरे किलर मतलब? चंदन पूछता है। मतलब सोनम सूद और चोपड़ा वाला किलर अलग है और कामनी और मुन्नी वाला किलर अलग, विद्युत कहता है। चंदन बॉडी की ओर देखता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या फर्क है दोनों में। विद्युत कहता है, ना तो मुन्नी के पास कोई एनवलप मिला और ना ही कामनी के पास, वरना चोपड़ा, सोनम और इससे पहले जो मर्डर्स हुए हैं उनकी डेड बॉडी को गड्ढे में गर्दन तक गाड़ा गया था और साथ में एक एनवलप था जिसमें उनके पापों की लिस्ट थी, मतलब उनके मारने की वजह छोड़ गया था किलर। चंदन विद्युत की तरफ एकटक देखता है और कहता है, ऐसा है मिस्टर विद्युत, ज्यादा व्योमकेश बक्सी ना बनो, फटाफट फोटो लीजिए और चलते बनिए। और रही बात गड्ढे की, तो अभी अभी पता चला है कि आगे थोड़ी दूरी पर खाली मैदान के पास एक गड्ढा खोदा हुआ मिला है। हो सकता है किलर इस मुन्नी को वहां गाड़ने ले जा रहा हो और कोई उसे रात के वक्त इस तरफ आता हुआ दिखाई दे गया, उसी कारण वो हड़बड़ाकर मुन्नी की लाश को यहीं छोड़कर भाग गया हो। ये कहता हुआ चंदन दूसरी तरफ चला गया। विद्युत सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन चोपड़ा और सोनम और इससे पहले दो लोगों को तो मैंने मारा है, लेकिन फिर एक कामिनी और मुन्नी का हत्यारा कौन है? तभी विद्युत की नजर ऐसा ही नवीन पर गई, जो कि डेड बॉडी को ध्यान से देख रहा है। नवीन की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया हो। विद्युत अपनी जगह से उठता है और नवीन के पास जाता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो एक बार बॉडी को देखता है और फिर ऐसा ही नवीन को। विद्युत एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हमें क्या लगता है कि आपका इससे कोई पुराना नाता था? नवीन विद्युत की तरफ थोड़ा तल्ख नजरिए से देखता है। विद्युत नवीन के गुस्से को भांप जाता है और अपनी बात को संभालते हुए बोलता है, नाना हमारा मतलब है पुलिस को कभी कभी। नवीन विद्युत की तरफ देखता है और कुछ सेकंड शांत रहने के बाद बोलता है, मुन्नी मेरी इन्फॉर्मर थी जिसने कई हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दिए थे। जो इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलती थी वो मुन्नी के पास होती थी। विद्युत तुरंत बोलता है, हम तो आपकी इमोशंस देखकर ही समझ गए थे कि आपका कोई तो कनेक्शन है। फिर विद्युत डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है किसने किया होगा इस औरत का कत्ल? भला इतनी खूबसूरत औरत को कोई इतनी बेरहमी से मारता है क्या? विद्युत अभी भी डेड बॉडी की तरफ ही देख रहा है और ऐसा ही नवीन के जवाब का वेट करता है। लेकिन जब अपना सर घुमाकर देखता है तब तक नवीन वहां से जा चुका होता है और थोड़ी ही दूरी पर अपनी टीम के साथ खड़ी इंस्पेक्टर सिमरन से बात कर रहा होता है। ये देखकर विद्युत भी सिमरन की ओर जाता है और तभी अचानक विद्युत का फोन बजता है और पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो मिस्टर खुराना थे। विद्युत को समझते देर नहीं लगती कि जरूर चंदन ने खुराना को इत्तला दे दी होगी कि विद्युत ऑफिस में बहाना बनाकर क्राइम लोकेशन पर पहुंच गया है। जैसे ही विद्युत ने फोन उठाकर कान पर लगाया, तुम मुझे पूरे के पूरे गधे समझते हो? खुराना ने भड़कते हुए कहा। सर दरअसल बात यह है कि दोस्त की बीवी थोड़ी ठीक हो गई थी तो हमने सोचा कि क्राइम साइट पर विजिट कर लें। आखिर ऑफिस का काम तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, यही तो हमारा अन्नदाता है। अब दोस्त की बीवी थोड़ी ना हमारा घर चलाएगी, और आपकी बात हमने कभी टाली है जो आज टालेंगे? विद्युत ने अपनी सफाई में कहा। खुराना विद्युत की चिकनी चुपड़ी बातों से क्लीन बोल्ड हो गया और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है अब एक काम करो, फौरन वहां से निकलो और क्लब हाउस चले जाओ और मंत्री जी की ब्रीफिंग लो। लेकिन सर यहाँ पर, विद्युत ने कहा।
वो चंदन देख लेगा, तुम फौरन निकलो वहां से। खुराना ने विद्युत की बात को बीच में ही काटते हुए तल्ख लहजे में कहा। विद्युत फौरन क्राइम साइट को छोड़कर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर क्लब हाउस की तरफ रवाना होता है। दिल्ली का सरकारी क्लब हाउस, जहां अक्सर पॉलिटिकल मीटिंग्स और गतिविधियां होती हैं। थोड़ी देर बाद ऑटो रिक्शा क्लब हाउस के गेट के सामने रुकता है और विद्युत हड़बड़ी में ऑटो से बाहर आता है और रिक्शे वाले से कहता है, आप अपना मीटर चालू रखिए, हम आते हैं जरा मंत्री जी से मिलकर। विद्युत जैसे ही गेट के अंदर दाखिल होना चाहता है, एक सुरक्षा गार्ड उसे रोक लेता है। अरे कहां गुजर चले जा रहे हो, ये कोई नाना नानी का पार्क है क्या? गार्ड भड़कते हुए कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल हम जर्नलिस्ट हैं, ब्रीफिंग लेने आए हैं। विद्युत ने अपना प्रेस कार्ड दिखाया। अरे तो टाइम से आना चाहिए था ना, अब तक क्या सो रहे थे? जल्दी जाओ, अब तो नाश्ता पानी भी खत्म हो गया होगा, गार्ड ने नर्म होते हुए कहा। विद्युत दौड़ता हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल तक चला जाता है, जहां वो देखता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी करके मंत्री जी पोडियम से उठकर वीआईपी एग्जिट से हॉल से बाहर निकल जाते हैं। विद्युत सोचता है कि अगर एक भी फोटो नहीं मिली तो खुराना मेरे ऊपर फूट पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देते हुए विद्युत मंत्री जी को लॉबी में फॉलो करता है। मंत्री जी थोड़ी सावधानी से कमरे में घुस जाते हैं और उनके पीछे उनकी एक खूबसूरत सेक्रेटरी भी कमरे में एंटर करती है। विद्युत को सारा माजरा झट से समझ आ जाता है कि मंत्री जी और उसकी सेक्रेटरी का इलू इलू चल रहा है, और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो मंत्री और उसकी सेक्रेटरी की सीक्रेट फोटो किसी तरह से क्लिक कर ले तो खुराना खुश हो जाएगा। विद्युत क्लब हाउस में अपना काम पूरा करके दिल्ली टाइम्स ऑफिस वापस आ चुका है। चीफ एडिटर खुराना टेबल पर पड़ी तस्वीरों को चश्मा लगाकर घूर रहा है, जिसमें मंत्री जी अपनी सेक्रेटरी को अलग अलग एंगल से किस कर रहे हैं। खुराना तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखता है और फिर अपना चश्मा नाक पर टिकाकर विद्युत को ऊपर से नीचे तक निहारता है। खुराना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। यही करने के लिए तो मैं क्लब हाउस भेजा था मैंने, कल न्यूज के साथ ये फोटो छापूंगा मैं अखबार में। बोलते बोलते खुराना खांसने लगता है। विद्युत उसको पानी से भरा हुआ गिलास ऑफर करता है। खुराना दो घूंट पानी पीता है। सर मुझे लगा कि ये फोटोग्राफ राजधानी का राजनीतिक माहौल गर्म कर देंगी, विद्युत कहता है। ये राजनीतिक माहौल गर्म करेंगी या नहीं, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर जरूर हाई करेंगी, और साथ में हमारा अखबार जो थोड़ा बहुत चलता है उसे भी बंद करवाएगी, खुराना कहता है और दो घूंट पानी और पीता है। सर हम इतनी मसालेदार फोटोज लेकर आए हैं और आप हैं कि हमारी मेहनत को शाबाशी ना देते हुए हम पर ही भड़क रहे हैं। विद्युत का यूं बोलना ही था कि खुराना ने भड़कते हुए बोला, मसालेदार? इसे तुम मसालेदार कहते हो? ये मसाला नहीं, चिंगारी है, जो एक बार मेरे पेपर के जरिए बाहर आई तो पूरा का पूरा अखबार बंद करवाएगी, विद्युत खुराना की तरफ देखता हुआ बोलता है। सर अखबार से ध्यान आया और अपने कैमरे की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए मुन्नी की डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाते हुए कहता है, ये देखिए सर। खुराना तस्वीरों को देखता है, उसके बाद विद्युत खुराना को सोनम सूद और चोपड़ा के मर्डर की तस्वीरें कैमरा की स्क्रीन पर स्क्रॉल करके दिखाता है। कुछ समझ में आया सर? विद्युत मुस्कुराकर बोलता है। खुराना सिर्फ उसका चेहरा देख रहा है और सोचता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज का मर्डर और कामनी का मर्डर सोनम सूद और चोपड़ा वाले मर्डर से बिल्कुल अलग है, और कल हमारे पेपर की हेडलाइन होगी बहरूपिया सीरियल किलर। खुराना पूछता है, जरा समझाएंगे कि कैसे? विद्युत कहता है, सर सारा मामला पानी की तरह साफ है, दोनों किलर एकदम अलग है। हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि एक किलर सिर्फ उन लोगों को मारता है जो इंसानियत के दुश्मन है, और दूसरा बेगुनाह इंसानों को। अच्छा, खुराना बोलता है, सबूत क्या है आपकी अच्छे किलर और रॉबिन हुड किलर वाली थ्योरी का? सबूत है ना सर, जिनके हाथ में एनवेलप मिलता है और वो लाश के पास एक लाइन लिखकर भी छोड़कर चला जाता है। विद्युत को बीच में रोकते हुए खुराना पूछता है, अच्छा और क्या लिखा होता है? यही कि मेरी तलब इसकी मौत है, विद्युत आगे कहता है। उसे मारने वाला किलर कोई और है जिनके हाथ में एनवेलप नहीं मिलता है और ना ही कोई लाइन लिखी होती है, उन्हें मारने वाला किलर दूसरा है। सर एक बार अखबार में छाप दीजिए, बाकी के सबूत खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। खुराना अपना माथा पकड़ लेता है और गहरी लंबी सांस लेते हुए कहता है, तो तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से पुलिस बेवकूफ है और ये जो हत्यारा है ये एक नहीं बल्कि दो लोग हैं? बिल्कुल, विद्युत ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। तो ऐसा है आप पुख्ता सबूत लेकर आए और फिर बात करें, खुराना कहता है।
बिना सबूत नो डिस्कशन सर। लेकिन विद्युत ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बाहर जाते समय गेट थोड़ा टाइट बंद कर देना, एसी की हवा बाहर निकल जाती है, खुराना ने कहा। विद्युत केबिन का दरवाजा बंद करते हुए केबिन से बाहर आ जाता है। तभी चंदन विद्युत को एक कुटिल स्माइल देते हुए खुराना के केबिन में जाता है। विद्युत अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कौन है वो जो हमें कदम कदम पर चुनौती दे रहा है। पुलिस स्टेशन में सिमरन और एसआई नवीन एसीपी के सामने खड़े हैं। नवीन कहता है, सर मुन्नी जरूर कुछ न कुछ उस सीरियल किलर के बारे में जानती थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटाया गया है। सिमरन असहमति से नवीन को देखती है। व्हाई डू यू थिंक सो? मुन्नी जैसे लोग चंद पैसे के लिए मार दिए जाते हैं, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। नवीन सिमरन की तरफ देखता है और कहता है, मैडम मैं मुन्नी को जानता था, वो भले ही इस धंधे में थी लेकिन ईमान वाली औरत थी। इन लोगों का सिर्फ एक ही ईमान होता है और वो है पैसा। सिमरन ने हंसते हुए कहा, और बेटर होगा अगर आप इस थ्योरी पे फोकस ना करके मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। एसीपी दोनों को देख रहा है लेकिन नवीन का कन्विक्शन देखकर कहता है कि नवीन इस केस की तुम अपने हिसाब से जांच करो, अगर 15 दिनों में कुछ हाथ आता है तो ठीक, वरना सिमरन इज अ बॉस। जी थैंक यू सर। नवीन खुश होकर एसीपी को सैल्यूट करता है और बाहर निकल जाता है, जबकि सिमरन नाखुश है और बाहर जाते हुए नवीन को देखती है। यंग है, नया जोश है, उसे अपने तरीके से काम करने का मौका दो, एसीपी सिमरन से कहते हैं। जहां एक तरफ एसीपी के केबिन में सिमरन और एसीपी का डिस्कशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नवीन एसीपी के केबिन से बाहर आता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डेविड उसे मुन्नी की फॉरेंसिक रिपोर्ट देते हुए कहता है, नवीन चेक इट। नवीन डेविड के हाथ से रिपोर्ट लेता है और रिपोर्ट देखकर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है।